चलिए दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र के बारे में। ठीक है, याद रखिए। तो हम लोग इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, विधिक परिदृश्य, और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकरणों के बारे में। ठीक है, याद रखिए। आपको बता दें, ये सभी लेक्चर जितने भी बनेंगे समसामयिक घटना चक्र 2019 के, वो आपको समसामयिक घटना चक्र 2019 की जो प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, याद रखना। तो आगे देखते हैं हम लोग गाफा टैक्स। इससे पहले बात कर चुके हम लोग कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय देख चुके थे। अब गाफा टैक्स के बारे में बात करते हैं। जुलाई 2019 में फ्रांस की संसद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों पर एक नया डिजिटल कर गाफा टैक्स लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया। गाफा टैक्स में शब्द गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन कंपनियों के नाम के प्रथम अक्षरों से निर्मित है। यह टैक्स भूतकालीन प्रभाव अर्थात 1 जनवरी 2019 फ्रांस में डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए उनके डिजिटल टर्नओवर पर लगेगा। प्रस्तावित कानून के अंतर्गत ऐसी डिजिटल कंपनियां जो एक वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर डिजिटल सेवाओं के माध्यम से 750 मिलियन यूरो से अधिक या जो फ्रांस में 25 मिलियन यूरो से अधिक का राजस्व अर्जित करती हैं, उन कंपनियों पर कुल राजस्व का 3% कर के रूप में वसूला जाएगा। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मायर के अनुसार इन नए कर के माध्यम से वर्ष 2020 तक 500 मिलियन यूरो तक की वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। यह एक ऐसी कंपनियों पर लागू होगा जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए एक डिजिटल इंटरफेस की आपूर्ति करती हैं, और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनियां आती हैं जो उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं से संबंध या संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती हैं। ये कंपनियां इन उपयोगकर्ताओं के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे पहुँचाने का कार्य करती हैं, या फिर ग्राहकों और कंपनियों को संपर्क में रखने हेतु कमीशन प्राप्त करती हैं। ऑनलाइन विज्ञापन या विज्ञापन उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत डेटा का पुनर्विक्रय करती हैं। यद्यपि यह टैक्स समान रूप से फ्रांस में स्थित सभी देशों जैसे भारत, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस आदि की बड़ी डिजिटल तकनीकी कंपनियों को प्रभावित करेगा, तथापि इससे सर्वाधिक अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। ठीक है, फ्रांस में प्रस्थान उड़ानों पर ग्रीन टैक्स 9 जुलाई 2019 को फ्रांस के परिवहन मंत्री एलिजाबेथ वॉन ने फ्रांस में प्रस्थान करने वाले सभी नागरिक विमानों पर इको टैक्स या ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यूरोपीय यूनियन ने बाहर जाने वाली उड़ानों पर इकोनॉमी श्रेणी के टिकट पर 3 यूरो और एवं व्यावसायिक श्रेणी के टिकटों पर 18 यूरो तक का कर लगाया जाएगा। वहीं यूरोपीय यूनियन एवं फ्रांस की घरेलू उड़ानों पर इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर 1.50 यूरो एवं बिजनेस श्रेणी के टिकटों पर 9 यूरो का कर लगाया जाएगा। इस कर के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 182 मिलियन यूरो तक की धनराशि संग्रहित करने का लक्ष्य है। यह वर्ष 2020 से प्रभावी होगा। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019। बस 2030 तक सभी जगहों से सभी रूपों से गरीबी की समाप्ति ही सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत प्रथम लक्ष्य गोल फर्स्ट है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इस सूचकांक के अंतर्गत वैश्विक जनसंख्या के 76% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक देशों में चरम बहुआयामी गरीबी की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा किया गया। ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा यूएनडीपी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक विविधि प्रविधि विकसित की है जिसे अल्कीरे फोस्टर विधि के नाम से जाना जाता है। 11 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में वैश्विक जनसंख्या के 76% का प्रतिनिधित्व करने वाले 111 देशों में बहुआयामी गरीबी की स्थिति का व्यापक विवरण उपलब्ध कराया था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व के 101 देशों में 1.3 बिलियन लोग 23.1% बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। बहुआयामी गरीबी की स्थिति वाले लगभग 2/3 लोग 886 मिलियन मध्यम आय वाले देशों में निवास करते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे 10 देशों की पहचान की गई है जिनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 2 बिलियन है और इन देशों के सतत विकास लक्ष्य 1 सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति को प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई, जिनमें शामिल हैं 10 देशों में बांग्लादेश, पेरू, कंबोडिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वियतनाम, कांगो, इथोपिया और हेती। ठीक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल में सबसे तेज निरपेक्ष कमी भारत, कंबोडिया और बांग्लादेश में दर्ज की गई। भारत का MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल वर्ष 2005-06 में 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.130 हो गया है। वर्ष 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 640 मिलियन यानी कि 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 369 मिलियन यानी कि 27.9% हो गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 एवं 15-16 के मध्य भारत ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत के झारखंड प्रांत में बहुआयामी गरीबी मामले में वर्ष 2005-06 में 74.9% से कम होकर वर्ष 2015-16 में 46.5% दर्ज की गई। अब बात करते हैं हम लोग अगली वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों और भावी संभावना का व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1951 में किया जा रहा है। 17 जून 2019 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट श्रृंखला की 26वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 235 देशों क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आकलनों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2100 की अवधि के दौरान जनसंख्या संबंधी प्रक्षेपण भी शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व की जनसंख्या 7.7 बिलियन है, वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.5 बिलियन 10% की वृद्धि हो जाने की संभावना है। वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2050 तक 9.7 बिलियन यानी कि 26% की वृद्धि तथा वर्ष 2100 तक 10.9 बिलियन यानी कि 42% की वृद्धि हो जाने की संभावना है। वर्ष 2020 से 2050 तक की मध्य होने वाली जनसंख्या वृद्धि में आधे से अधिक जनसंख्या वृद्धि जिन 9 देशों में अनुमानित है वे हैं भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र, अमेरिका। इन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भारत में और सबसे कम वृद्धि अमेरिका में अनुमानित है। वर्ष 1990 में वैश्विक प्रजनन दर 3.2% महिला थी, जो कम होकर वर्ष 2019 में 2.5% महिला हो गई। वर्ष 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.2 तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 1990 के मुकाबले वर्ष 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
64.2 वर्ष से बढ़कर 72.6 वर्ष हो गई है, जिसमें वर्ष 2050 तक लगभग 77.1 वर्ष हो जाने का अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2019 एवं 2050 के मध्य भारत की जनसंख्या 273 मिलियन की वृद्धि अनुमानित है। ऐसा अनुमान है कि शताब्दी के अंत तक भी भारत की लगभग 1.5 बिलियन जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों की बात करें कुल जनसंख्या मिलियन में, तो चीन 1990 में थी इसकी 1177 मिलियन, जिस जो 2019 में हो गई 1434 मिलियन, और 2050 में होगी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। 2050 में भारत पहले नंबर पहुंच जाएगा, 1639 बिलियन मिलियन, और भारत 2100 में पहुंच जाएगा 2100 में 1450 मिलियन, ठीक है। 1990 की बात करें तो भारत की 873 थी, जो भारत की अभी 2019 में है 1366, ठीक है। 2050 में हो जाएगी 1639, और 2050 के बाद 2100 में हो जाएगी 1450, ठीक है। फिर अमेरिका है 252 थी, इसकी अभी 2019 में 339 है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है, ठीक है। याद रखिए 2019 में चीन है पहले नंबर पर, फिर भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ठीक है। और 1990 में था ब्राजील पांचवें नंबर। अब बात करते हैं हम लोग एसटीजी इंडेक्स, जेंडर इंडेक्स के बारे में। वर्ष 2018 में सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में लैंगिक समानता के लिए सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूके स्थित संस्था इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा प्रायोगिक आधार पर एसटीजी जेंडर इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इस प्रायोगिक सूचकांक में सुधार कर 2019 में प्रथम एसडीजी जेंडर इंडेक्स 2019 प्रस्तुत किया गया। हाल ही में इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा हार्नेसिंग द पावर ऑफ डाटा फॉर जेंडर इक्वालिटी नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी जेंडर इंडेक्स 2019 प्रकाशित किया गया। यह सूचकांक लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 5, सतत विकास लक्ष्य 5 पर जो ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही कुल 17 सतत लक्ष्यों में से 14 लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल उन मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जो लैंगिक समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सूचकांक विश्व के 129 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का पता लगाने का सबसे व्यापक साधन है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, लिंग आधारित हिंसा, जलवायु परिवर्तन जैसे 51 संकेतों पर आधारित है। एसडीजी जेंडर इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व के 129 देशों में से कोई भी देश महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडे में परिकल्पित लैंगिक समानता के लक्ष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका है। लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक औसत स्कोर 65.7 है, जो खराब की श्रेणी में है। इस सूचकांक में 90 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त कर उत्कृष्ट की श्रेणी में स्थान नहीं बना सके। एसडीजी इंडेक्स 2019 में शीर्ष 5 देशों की बात करें तो डेनमार्क है 89.3 स्कोर के साथ, फिर फिनलैंड 88.8 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्वीडन है 88 स्कोर के साथ, चौथे पर नॉर्वे है, पांचवें पर नीदरलैंड है। अंतिम 5 की बात करें एसडीजी में तो चार है, 128 पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज, कांगो है 127, यमन है 126, नाइजर 125। एसडीजी जेंडर इंडेक्स 2019 में भारत का स्कोर रहा है 56.2 के साथ 95 स्थान पर है। भारत लैंगिक समानता प्राप्त करने के संबंध में बहुत खराब की श्रेणी में है। भारत में स्वास्थ्य स्कोर है 79.91, भुखमरी पोषण स्कोर है 76.20, वहनीय स्वच्छ ऊर्जा है 71.84 के सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं। याद रखना 52 नंबर, 95 नंबर पे है
भारत अपना ठीक, पहली पर है डेनमार्क। तो बात कर लेते हैं हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक 2019। विश्व में शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी समाज सेवी स्टीव केलेलिया ने वर्ष 2007 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की। 12 जून 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2019 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनकी शांति के स्तर पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, जबकि यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश क्षेत्र है। बात करते हैं वर्ष 2019 में शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला 5 देश हैं, यूक्रेन, सूडान, मिस्र, उत्तर मैसेडोनिया और रवांडा। 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का अधिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव 14.1 ट्रिलियन डॉलर, क्रय शक्ति क्षमता पीपीके पदों में दर्ज किया गया था, जो सकल वैश्विक उत्पाद का 11.2% या 1853 डॉलर प्रति व्यक्ति है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है। याद रखिए, आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है। यह वर्ष 2008 से ही इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत को 163 देशों की सूची में 141वां स्थान मिला है। स्कोरेज का 2.605 प्राप्त हुआ है। आप जानते हो कि 2018 में 136वें स्थान पर था भारत, इस बार 141वें स्थान पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में। ठीक है,